श्योपुर जिले में विगत दिनों कोटा बैराज से छोड़े गए लाखों क्योस्को पानी ने चंबल किनारे स्थित गांवों में भारी तबाही मचा दी है। वहीं ग्राम समरसा में लोगों को बेघर कर दिया है। स्थिति का जब मौके पर पहुंचकर मीडिया टीम ने समरसा में निरीक्षण किया तो देखने में आया कि बाढ़ के चलते लोगों के घर में तबाही नहीं हुई, बल्कि लोगों के पास ओढ़ने बिछाने का कुछ नहीं बचा। समरसा में चारों ओर बाढ़ के चलते तबाही नजर आई, जहां पशुधन से लेकर किसान की उपज के साथ आई बाढ़ त्रासदी ने लोगों के घर के सामान को लील लिया। ना ही लोगों के पास खाने को बचा, ना ही ओढ़ने को। सच कहें तो बाढ़ के चलते काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि बाढ़ के बाद लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। हो गया अपने बाढ़ से कहाँ पे, मतलब कितना क्या नुकसान हो गया? मकान वकान दे गया या गेहूँ खराब हो गए, क्या खराब हुआ? ये देखो, ये था सामने देख लो, गेहूँ खराब हो गया। हाँ। और मकान गया, इधर गया, और पूरा दे गया, पूरा नष्ट, बिल्कुल काहे नहीं बिछरे, देख लो कागज आपने दिख जाएंगे। तो अभी तक शासन से प्रशासन से थोड़ी बहुत कुछ मदद मिली? कुछ भी नहीं मिली। अच्छा, खाने पीने की व्यवस्था तो हो रही होगी शासन की तरफ से? खाने पीने तो आए। बाढ़ से काय काय नुकसान हुआ अपने? फसल बाड़ी को भी हो गयो, घर झोपड़ा को भी हो गया, सब हो गया, मकान भी ढेस गए, माल पानी भी निकल गए हमारे, कुछ भी नहीं बचे। अच्छा, खाने पीने का कुछ बचा नहीं? काई नहीं है, सब बह गया बाढ़ में, बह गए, काई नहीं है। अच्छा, रहने का भी नहीं है, खाने पीने का भी नहीं, माल मीटर का कुछ भी नहीं है, सोने बिछाने का सब काट, गुदड़ा रजाई बिछा सब निकल गए हमारी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा। हाँ, 5 बीघा।